ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 22, और कब एंड होता है? 31 मार्च 23। अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000। कैश सेल्स कितनी है? 3,90,000। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 1,60,000। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। अब ध्यान से देखना, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000। एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। तो बेटा एंजल, कितने पे हो चुके हैं? माइनस कर देंगे 80, 270 टोटल है, तो हमें चाहिए पेड कितने हैं, आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो उन्होंने बताया 80,000 आर स्टिल टू बी पेड आउट ऑफ 270, तो कितने पे हो चुके हैं? 190। इसमें किसी को डाउट? ये तो अभी मैंने बस क्वेश्चन कॉपी करा है। क्लियर है क्वेश्चन? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? फाइंड आउट अशोक्स इनकम, फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉलोइंग द कैश बेसिस। अब ध्यान से देखना, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। हम करेंगे कैलकुलेट अपने आप, हमें नहीं चाहिए सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे, इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो कैश बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो बताओ बेटा शमिका, हमारी टोटल सेल्स हैं 4,90,000 प्लस 50, 5,50,000 टोटल सेल्स हैं, जिसमें से 390 कैश सेल्स हैं और 160 क्रेडिट सेल्स हैं। कैश बेसिस के हिसाब से उस पीरियड का रेवेन्यू कितना माना जाएगा, 390 या 550? श्योर? करेक्ट, कैश बेसिस के हिसाब से 390। एक्सपेंसेस कितने माने जाएंगे? एक्सपेंसेस 270 थे, पेड 190, आउटस्टैंडिंग 80। एक्सपेंसेस कितने माने जाएंगे ओशाम, आर यू श्योर? करेक्ट, तो इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। ये कैश बेसिस कहता है, बहुत ही आसान। ये कहता है कैश बेसिस की इनकम हो जाएगी हमारी कितनी? 2 लाख। तो इतना सही है, कैश बेसिस दो है, एक कैश बेसिस एक अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस भी बहुत आसान है, क्योंकि आप एक्चुअल जो करने वाले हैं ना पूरे साल, वो अक्रूअल बेसिस ही है। समझ आ रही है बात? तो वो तो आप वैसे भी कॉन्सेप्ट सुन ही चुके हैं, अभी रिपीट होगा तो आपके सामने खत्म भी हो जाएगा।